हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्काई स्ट्रगल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर 2019। आज का करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज स्काई स्ट्रगल एजुकेशन को लाइक करें और ज्वाइन करें ताकि आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी मिल सके। प्रश्न एक है, हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? ऑप्शन ए है विजय कुमार बिष्ट, बी अनूप कुमार गोस्वामी, सी मीनाक्षी मदन राय, डी अजय कुमार स्वामी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनूप कुमार स्वामी। ये देखिए, यहाँ पर इमेज अनूप कुमार गोस्वामी का है, जिन्हें हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। यहाँ पर शपथ दिलाते हुए सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हैं। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जान लीजिए, सिक्किम के मुख्यमंत्री टीएस तमांग हैं। प्रश्न दो है, वर्ष 2019 के लिए बूकर प्राइज किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए मार्गिट एडवर्ड, बी बर्नर्डायन, सी ए और बी दोनों, डी मैरिलिन बूथ। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मार्गिट एडवर्ड वुड और बर्नर्डायन को संयुक्त रूप से बुकर प्राइज दिया जाएगा। ये देखिए, इमेज यहाँ पर मार्गिट एडवर्ड का है और ये इमेज एजरिस्टो बर्नर्डायन का है। तो इन लोगों को संयुक्त रूप से बुकर प्राइज दिया जाएगा। तो 30 वर्षों बाद पहली बार यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दो लोगों को दिया गया, नहीं तो इसके पहले सिर्फ एक लोगों को दिया जाता था। बुकर के इतिहास में पहली बार किसी अश्वेत महिला को पुरस्कार दिया गया। एडवुड के उनके उपन्यास, देखिए एडवुड हैं, इनका उपन्यास है द हैंड मेट्स, द हैंड मेट्स टेल, और इनका उपन्यास है बर्नर्डाइन एजरिस्टो का गर्ल वुमेन अदर, गर्ल वुमेन अदर उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्न तीन है, आईसीसी के नए नियम के अनुसार मैच टाई यानी बराबरी होने पर कौन निर्णय करेगा? ऑप्शन ए है सुपर ओवर, बी डकवर्थ लुइस, सी नॉकआउट, डी फर्स्ट रन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सुपर ओवर। ये देखिए, यहाँ पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम थी, तो यहाँ पर मैच टाई हो गया था। तो आईसीसी के नए नियम के अनुसार यदि दोनों टीमों रन बराबर यानी सुपर ओवर विजेता निर्णय करेगा। यदि आईसीसी का यह रूल कहता है कि ये दोनों टीमों का रन बराबर है तो सुपर ओवर विजेता का निर्णय करेगा। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है, आई से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन शशांक मनोहर हैं। कौन हैं? शशांक मनोहर। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में है। आईसीसी के अध्यक्ष मनु साहनी हैं।
प्रश्न चार है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, बी 17 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर, डी 14 अक्टूबर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे संयुक्त राष्ट्र की 1945 खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर के सम्मान में विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 जून को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में भूखे लोगों की करीब 23% आबादी भारत में रहती है, 23% आबादी कहाँ रहती है? भारत में। प्रश्न 5 है, लोटस HR के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली के बारामुल्ला नाले पर इंडो डच परियोजना का दूसरा चरण स्वस्थ पुनः उपयोग के लिए शहरी सीवेज धाराओं का स्थानीय उपचार। तो देखिए लोटस HR का फुल फॉर्म क्या है? लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम फॉर हेल्दी रीयूज। फिर से सुन लीजिए, लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम फॉर हेल्दी रीयूज। यह भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली में लोटस HR का शुभारंभ किया है। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं, और नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा द्वारा की गई है। प्रश्न 6 है, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत के कितने साइटों को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के लिए चुना गया? ऑप्शन ए है 4 साइट, बी 3 साइट, सी 5 साइट, डी 2 साइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 4 साइट। एशिया पैसिफिक अवार्ड की घोषणा मलेशिया के पिनांग शहर में हुआ, कहाँ पर हुआ? मलेशिया के पिनांग शहर में। यूनेस्को की एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए भारत के 4 स्थानों का चयन हुआ। जिन 4 स्थानों का चयन किया गया उनमें अहमदाबाद स्थित विक्रम साराभाई पुस्तकालय, और 3 मुंबई के हैं केनेसेट सिनेगाग, ग्लोरी चर्च और फ्लोरा माउंटेन, ये सब मुंबई में स्थित हैं। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और इम्पॉर्टेंट है, जयपुर का परकोटा, इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। जयपुर का परकोटा है, इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। प्रश्न 7 है, हाल ही में RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र बैंक से 10,000 से बढ़ाकर कितने रुपए निकालने की अनुमति दी? देखिए यहाँ पर 10,000 नहीं, 25,000 होगा। 25,000 से बढ़ाकर कितने रुपए निकालने की अनुमति दी? ऑप्शन ए है 20,000, बी 30,000, सी 50,000, डी 40,000। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 40,000। पहले RBI ने निकासी सीमा 1,000 रुपये की थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। इसके बाद 25,000 रुपये कर दिया गया, अब 40,000 रुपये कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर PMC बैंक है, PMC बैंक में यहाँ पर फ्रॉड के चलते इस पर रोक लगी हुई थी, पैसा नहीं निकाल सकते थे। प्रश्न 8 है,
हाल ही में थर्ड इंडिया एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी उत्तराखंड, डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नई दिल्ली। थर्ड इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। प्रश्न 9 है, हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए है काइद इसेबसी, बी मोहम्मद काजी, सी अबीदी, डी कैस सैयद। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कैस सैयद। ये देखिए इमेज कैस सैयद का है, जिन्हें अभी ट्यूनीशिया के रूप में राष्ट्रपति चुना गया है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनीशिया की मुद्रा ट्यूनीशियाई दिनार है। और देखिए ट्यूनीशिया की यहाँ पर एक फ्लैग है। प्रश्न 10 है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 15 अक्टूबर, डी 16 अक्टूबर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 15 अक्टूबर। प्रश्न 11 है, कौन सा एयरलाइन विमान को टैक्सी बोट रनवे पर लाने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनी? ऑप्शन ए इंडिगो, बी एयर इंडिया, सी स्पाइस जेट, डी गो एयर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एयर इंडिया। ये देखिए एयर इंडिया का इमेज है, एयर इंडिया को दुनिया की पहली एयरलाइन बनाने का गौरव मिला है, जिसने यात्रियों से भरे A320 विमान की कमर्शियल फ्लाइट के लिए टैक्सी बोट का इस्तेमाल किया। अश्वनी लोहानी एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन हैं। प्रबंध निदेशक और चेयरमैन कौन है? अश्वनी लोहानी। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर टैक्सी बोट से क्यों ले जाया जा रहा है, क्योंकि इसके इंजन पर भार न पड़े और ज़्यादा ईंधन की बचत हो सके। कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट करने वालों के नाम इस प्रकार हैं, अरुण चौहान, प्रदीप कुमार, समरेश यादव, कमलेश यादव, शिवांग प्रजापति शिवा, इंद्रसेन यादव, राजकुमार निगम, धर्मेंद्र यादव, यदुवंशी संदीप, अशोक यादव, विकास यादव, शिखर श्रीवास्तव, अंजलि यादव, रोहित यादव, आरजे ब्लॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।